हेलो ब्रेन, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एग्जामपुर के जो है 10 मॉडल पेपर जो आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, उसके जो है हम हिंदी पार्ट जो है हिंदी के पार्ट जो है हम इसके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको जीके भी कराएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर नंबर सेकेंड नंबर होगा, ठीक। पहला करा दिया हिंदी का, ठीक है। तो आज का हमारा ये सेकेंड नंबर होगा, ठीक है। 100 इसमें 10 हैं तो 200 कराएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए करेगी अनुस्वार, ऑप्शन बी करेगी अनुनासिक, ऑप्शन सी करेगी ह्रस्व, ऑप्शन डी करेगी प्लुत। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लुत स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है जिसका उच्चारण करने में, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जिसे ओम, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, स्वर आप जानते हैं कितने होते हैं, अभी कुल 11 होते हैं, ठीक है। जिसमें ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, ठीक है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आएगा, छोटा छोटा आ आएगा, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। और दीर्घ स्वर में क्या आएगा, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ ए आए ओ औ, ठीक है। तो ये कुल 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन कह रहे कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार किसका किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण केवल क्या हो, नाक से, ठीक है, केवल नाक से हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे आपको देखना है हंस इसके, ठीक है, वंश, रंग, ठीक है। और अनुनासिक किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक, ठीक है, नाक और मुंह से हो, ठीक है, मुंह से हो, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको माँ, ठीक है, गांव, ठीक है, आंख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका ऑप्शन आपके यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वाक के घटक होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है वाक के घटक होते हैं। वाक के घटक या आपसे पूछा जाता है वाक के अंग कितने होते हैं, अंग भी आपसे कह देगा या घटक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कहें उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन भी कहें कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी कर्म और क्रिया या कर्म और विशेषण, यहाँ पे आपका बिल्कुल कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका जैसे महेश, ठीक है, महेश पढ़ता है, ठीक है, तो ये आपका उद्देश्य हो गया महेश, और विधेय आपका पढ़ता हो गया, ठीक। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। वहीं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे तो 8 बताइए, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 3 है। कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान देना यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ये आपको बताना है कौन सा ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। देखिए, कलहर, कस्तूरी, प्रकाश या भ्रांति, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लहर होता है, प्रकाश होता है, भ्रांति होता है ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द, लेकिन कस्तूरी नहीं होता। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, ये आपको बताना है। यानी कि अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह, यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे आपको बताना है कि है के बाद कौन सा चिन्ह आएगा, कल उसकी टांग टूट गई। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्प विराम आएगा, ठीक है, अल्प विराम आएगा।
ठीक है, तो अल्प विराम का चिन्ह आप जानते हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आ जाएगा अल्प विराम का चिन्ह का। देखिए अल्प विराम, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, और विराम का मतलब रुकना, रहने का मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। देखिए इसमें जो है कई नियम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए हो और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो, क्या हो, और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, क्या, या लगने की उम्मीद हो, तो वहां पर आपको क्या लगाया जाता है, अल्प विराम चिन्ह। ठीक, जैसे रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, अब यहाँ पे और लगने की संभावना है ना, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पे संभावना प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे अल्प विराम होगा। ठीक, और देखिए अल्प विराम के कुछ प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस हैं, जैसे आपको देखना है यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, ठीक, आदि आए तो इससे पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था। ठीक है, तो मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं आता, यहाँ पे पहुंचा पे क्या लगाएगा, लगेगा अल्प विराम लग जाए। ठीक है, तो ये आपको देना, ध्यान देना। और देखिए जब किसी व्यक्ति की उचित या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उस उक्ति के संवाद के पहले अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नेताजी ने कहा के बाद आपको अल्प विराम लगेगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अर्ध विराम क्या है भी? तो अर्ध विराम जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहां पर अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अर्ध विराम का चिन्ह आप जानते हैं ये। ठीक है, और देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे अगला है विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है, तो विवरण चिन्ह आपको ऐसे देखे देखे होंगे, ये दो बिंदी और एक छोटी सी लाइन बीच में। ठीक है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि के दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। इसको देखो जैसे वचन के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पे आप ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है, विवरण चिन्ह का, जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं तो आप ये लगाएंगे। ठीक है, चिन्ह आइए देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, तो यहाँ लगा देते हैं संक्षेप करने, छोटा करने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश आप लिखते हैं तो उत्तर प्रदेश को ऐसे छोटा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाघव चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला कहने की परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। यहाँ पे आपको बताना है परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए परिवार में कई लोग रहते हैं, परिवार में कई लोग रहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका संसद हो गया, संसद में कई लोग रहते हैं, कुंज हो गया, ठीक है, सभा हो गया, सभा परिषद, ठीक है, आपका अच्छा जानते ही है। ठीक है, सेना, ठीक है, मंत्री परिषद, पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। ठीक है, भीड़ में लोग बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, मंडल, गुच्छा, ठीक है, ये आप कुछ शब्द याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा से आएगा, तो इसी में से आपका उदाहरण मिलेगा। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है, लंबाई, क्रोध, ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु स्थान को बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी प्लुरल नहीं होती, मतलब बहुवचन नहीं होती है। ठीक है, सिंगल में ही आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे भारत, भारत मतलब भारत क्या है, भारत एक ही है। ठीक है, उत्तर, गंगा, ठीक है, देवनागरी, ठीक, और जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, राज्यपाल, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने क्या बताया था, जातिवाचक की परिभाषा बता दिया था, फिर से देख सुन लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान को बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। और जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप जानते हैं लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, गाय, बकरी, ठीक है, पर्वत, ये आपके जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। ज्वालामुखी कई बार पूछा गया है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा आप जानते हैं पांच प्रकार की होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो अभी आपको बताया था वाक्य के जो है रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ आपको बताना है इसमें कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किससे हुआ है, यहाँ पे करें कि लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपभ्रंश से, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है आपको एक क्रम याद रखना है, जैसे देखिए पहले वैदिक संस्कृत, ठीक है, फिर लौकिक, ठीक है, लौकिक, अब संस्कृत पूरा नहीं लिखेंगे आएगा नहीं, ठीक है, और फिर पाली आई, तो इसी यही क्रम आपको याद रखना है, उसमें आगे पीछे देकर आपसे पूछता है, फिर प्राकृत आए, ठीक है, फिर अपभ्रंश, फिर आपका अवहट्ट, ठीक है, फिर प्राचीन हिंदी, फिर आपका आधुनिक हिंदी, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है, आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ये क्रम आपको याद रखना है। कभी आपको ऑप्शन में दे देता कि हिंदी जो है हिंदी का कैसे विकास हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ ध्यान रखना। अगला कहना कि अगम का विलोम शब्द है, ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो अगम का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि सक्षम, अधम, सुगम या निर्गम, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुगम, ठीक है। निर्देश, निम्नलिखित शब्दों के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। तो आविर्भाव का आपको पर्यायवाची बताना है, यानी कि निर्माण, उद्भव, विकास या जन्म, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने की तैरती चलती है इसलिए नाव को खाली स्थान दिया है, कहते हैं, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना है, तैरती चलती है इसलिए नाव को, कहने की तरण कहते हैं, तरणी कहते हैं, तरुण, तरुणों कहते हैं या तरुणी कहते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरणी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है नाव के क्या है पर्यायवाची, नाव के पर्यायवाची के जैसे नौका भी कहते हैं, ठीक है, नौका, नया भी कहते हैं, ठीक है, और डोंगी भी कहते हैं, ठीक है, जलयान भी कहते हैं, जलयान, जल वाहन भी कहते हैं, ठीक। तो ये नाव के कुछ पर्यायवाची भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर खाली स्थान में भरेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्द तद्भव नहीं वाला बताना है, देखिए, आठ, आम, आधा या अग्नि। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नहीं वाला बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आग का अग्नि होता है, ये तस्यम है, ठीक है, तस्यम है, तो ऑप्शन डी ही तद्भव नहीं होगा,
देखिए, आठ का अगर तत्स्यम पूछेगा तो अष्ट बताएंगे, ठीक है। आम का तत्स्यम आम्र होता है, ठीक है, और आधा का आर्ध होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके तत्स्यम में, ठीक है। तो ये आठ आम आधा ये तद्भव है, ठीक है, और इसके तत्स्यम अष्ट आम्र और आर्ध, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कहने स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कहने कि 15, 20, 24 या 25। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आप जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 होते हैं, ठीक है। तो 25, देखिए कंठ वर्ग, कंठ वर्ग जिसे का वर्ग आपका आता है, ठीक है, तालु चा वर्ग आता है, ठीक है, मूर्धन्य कौन सा आता है, टा वर्ग आता है, और दंत आपका ता वर्ग आता है, ठीक है, और ओष्ठ में आपका पावर्ग आता है। तो इसमें आप जानते हैं कुल पांच पांच एक में होते हैं, कंठ वर्ग में पांच, ठीक है, तो कुल मिला के आपका पांच से गुणा कर देंगे, पांच होता है, तो 5 बजे 25, ठीक है। 25 जो है क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये शुद्धि में भी पूछा जाता है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवित्री, ठीक। तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है, आपको शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला करें, जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, सही ऑप्शन हो जाएगा, जो मुश्किल से खाया जा सके, कहें दुष्कर, विषम, दुर्भक्ष या दुर्लभ। तो दुर्लभ तो आप जानते हैं जो मुश्किल से मिले, तो यहाँ खाया जाना है, ठीक, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, दुर्भक्ष, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। तो वाच्य आप जानते हैं तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ भाववाच्य का आपको बताना है। तो हमने बताया था कि भाववाच्य जहां पर असमर्थता को व्यक्त करेगा वहां भाववाच्य होगा, ठीक। करें मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया था, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, या मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ठीक। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, या जो है आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला कहने की, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो ये कई बार अलंकार एग्जाम उदाहरण पूछा गया है, कहने की अनुप्रास, श्लेष, उपमा या रूपक। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसमें कौन सा, देखिए आपको बताया था कि उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह जहां लगा रहेगा वहां पे आपको ऐसे पहचानना है वह कौन सा अलंकार है। तो वहां आपको बताया था रूपक अलंकार होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, ठीक है, जहां उपमेय ही उपमान मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होगा, ठीक है, जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, तो ये भी आपका है, ठीक है, मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, ये भी आपका रूपक अलंकार के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। और उपमा अलंकार आप जानते हैं, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक। इसके चार अंग होते हैं, ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए देखते हैं अगला है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, यहाँ पे आपको बताना है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए ताक माने होता है घूर कर देखना, यानी ताक रहा है, ठीक है, और ताक मतलब दीवार का आला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि एक वचन में, बहुवचन में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जैसे कहते ना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
जैसे गुरु जन आपने सुना होगा, तो वहां पे आदरणीय व्यक्ति हैं गुरुजन, तो उनके लिए क्या हमेशा प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ, बहुवचन। ठीक है, तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन के रूप में, जैसे गुरु जन। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपसे वचन से कुछ जो है हमेशा जो है एक वचन में प्रयोग होते हैं, आपसे पूछा जाता है, तो आपको बता रहे हैं जैसे जनता हो गया, ठीक है, सामान हो गया, सामग्री हो गया, ठीक है, सामग्री हो गया, सोना, सत्य, ठीक है, वर्षा, ठीक है, वर्षा हो गया, पानी आपका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, आकाश, क्योंकि आकाश आप जानते हैं एक ही होता है, सहायता, ठीक है, ये आपसे यही आपसे पूछे पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं जो बहुवचन में सदैव उपयोग होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और माल, ठीक है, ये आपके एक वचन में सदैव उपयोग होते हैं, ठीक है, जनता, सामान, सामग्री, सोना, सत्य, वर्षा और व्यथा भी होता है, ठीक, पानी, आकाश, सहायता। और देखिए कुछ शब्द होते हैं जो बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण हो गया, ठीक है, दर्शन, आंसू, होश, बाल, देखिए हस्ताक्षर कई बार आया है आपसे, यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, समाचार, दाम, ठीक है, ये जो है आपके हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे तो क्रिया सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, तो आपको यहाँ बताना है इसमें जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि श्याम बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। मोहन खाता है, अकर्मक क्रिया हो गया। सोहन देखिए केला खाता है। राम तेज दौड़ता है, अकर्मक क्रिया हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सोहन, देखिए जिसमें कर्म हो, देखिए केला आपका कर्म हो गया, तो यहाँ पे कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो, वहां सकर्मक क्रिया होती है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, और सब आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में कर्म होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं अगला है। का किस कारक का परसर्ग है? परसर्ग मतलब कारक चिन्ह कहें या परसर्ग, ठीक है, दोनों एक ही है, तो कहें संबंध, अधिकरण, कर्म या संप्रदान, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो आपको हमने बताया था का के की रा री रे, ये किसके हैं? तो आप जानते हैं संबंध के, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहां संबंध कारक कहलाता है, ठीक है, जैसे वह कार मेरी है, यह मेरा घर है, ठीक है, तो यहाँ पे संबंध कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है? मे पर होता है चिन्ह, ठीक है, मे पर होता है। और कर्म कारक का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है? को, ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह आप को जानते हैं। और संप्रदान कारक का चिन्ह आप क्या होता है? को के लिए होता है, ठीक है, को के लिए होता है, और कारक जो है आपके आठ है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध शब्द बताना है, कहने देखिए पुष्प बिल्कुल शुद्ध है, कहने पूज्य, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है, ठीक है, बड़ा का मंत्र रहेगा, ठीक है, यहाँ पे छोटा उप लगाया, गलत होगा, बी ही आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, परिस्थिति सही है, प्रशंसा आपका सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर अशुद्ध वाक्य था, ठीक है, पामे छठा को मंत्र नहीं होता, बड़ा को होता है, पूज्य होता है, ठीक है। कहने की काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहने सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना या अस्तब्ध होना, राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्तब्ध होना। अगला कहने की अठ कोना में कौन सा समास है? यहाँ पे समास से प्रश्न है, देखिए हमने कहा था जहाँ पे गिनती गिनती आपके आ जाए, नंबर आ जाए, जैसे हमने कहा था दो,
दिगु दिगु, तो आपको पकड़ लेना है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिगु समास, आठ कोना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आठ गिनती आ रहा है तो दिगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो दिगु समास क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची हो, संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे दिगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया, त्रिफल हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, या किसी तीसरे पद की ओर क्या करता है, संकेत करता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जिससे पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र। ठीक है, द्वंद्व समास आप जानते हैं, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो समास आपके छा देते हैं। ठीक है, वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में, वह किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे ये आप बताना। कहने की परिमाणवाचक विशेषण, देखिए यहाँ नापतौल नहीं हो रही तो ये नहीं होगा। संख्यावाचक, यहाँ गिनती को नहीं दिखाया जा रहा तो ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में, वह, देखिए वह के लिए कहा है ना कि अच्छा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण भी नहीं होगा। ठीक है, विशेषण आप जानते हैं चार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वह जो है सार्वनामिक विशेषण होता है। देखिए सार्वनामिक विशेषण को निजवाचक भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे वह गाय सुंदर है, तो वह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि इनमें से इंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन होगा। ठीक है, तो प्रत्यय जो है आपका मूल शब्द के बाद में लगता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए इंद्राल, सॉरी तंद्रालु है, तंद्रालु है। ठीक है, तंद्रालु, तो यहाँ पे तंद्रालु में आपसे पूछा जाए तो तंद्रा जो है मूल शब्द हो गया, लू जो है आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। करें परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कहने पर होगा, पर होगा, उपकार होगा या परोप होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पर जो है, परोपकार में पर जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपकार, उप कार जो है मूल शब्द हो जाएगा, पर जो है आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। कहना इनमें से किसे, इस इनमें से किसे उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किसको कहते हैं, करें भक्ति रस को, श्रृंगार को, हास्य को या वात्सल्य को, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति रस को उज्जवल रस या मधुर रस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए प्रश्न संख्या 67 से 71 तक क्या करते हैं, इसी अवतरण को पढ़कर आपको क्या करना है, प्रश्नों को जवाब देना, तो ये आप ले लीजिएगा। देखिए इसमें जो है 71 तक है, लेकिन उदाहरण से आपसे कुछ जो है आपको इसी से है। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो है आपको इसी यहाँ से कराएंगे, 71 से नहीं कराएंगे, है इसमें इसी से आपको संधि कुछ दिया, दे दिया उपसर्ग भी दे दिया, प्रत्यय दिया, तो इसी से करा देते हैं। 69 से करें, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो ये आपका प्रश्न गद्यांश सही है, लेकिन आपको व्याकरण दे दिया है तो यहाँ से करा देते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हलंत वाला ही आपको चुनना है ऑप्शन, देखिए हलंत इसमें है और मैं नहीं लगा। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर प्लस बल प्लस ता। ठीक, बल जो है मूल शब्द हो गया, ता जो है प्रत्यय हो गया, निर जो है उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कायर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कायरता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करें अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है,
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पॉन्स हो जाएगा। कहने की स्वार्थ परक होगा, स्वार्थ परता होगा, या कुटिल होगा, या स्वार्थी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वार्थी होता है। ठीक है, तो अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक शब्द होगा स्वार्थी। यथार्थ में कौन सी संधि है, यहाँ पे आपको संधि बताना है। ठीक है, तो हमने बताया कि आपको जहां बड़ा आ का मात्रा आ जाए, बड़ी ई का मात्रा आ जाए, बड़ा उ का मात्रा आ जाए, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, वहां आपकी दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यथा प्लस अर्थ है। ठीक है, संधि विच्छेद हो जाएगा यथार्थ। ठीक है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो जाता है, हो रहा है बड़ा आ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इनमें इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुदर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कहें हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, राइट आंसर हो जाएगा कहें दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, राम कुमार वर्मा का, मक्खन लाल चतुर्वेदी, या भगवती चरण वर्मा का। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्खन लाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए मक्खन लाल चतुर्वेदी का और कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, हिमकिरीटिनी भी है, ठीक है, समर्पण है, कला का अनुवाद है। ठीक है, गरीब अमीर देवता, गरीब देवता, रंगों की बोली। ठीक है, युग चरण, युग चरण इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं आपसे पूछा जाता है, जैसे जूही की कली। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं, वो जूही की कली तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक, तो यहाँ पे दिनकर की जो है, रामधारी सिंह दिनकर की जैसे रेणुका है। ठीक है, रेणुका। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी आपसे बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मि रथी है, ठीक है, हुंकार है, संस्कृत के चार अध्याय, हारे को हरिनाम। ठीक है, ये जो है कुछ है जो है इनकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक, तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और रेणुका, ये इंपॉर्टेंस है। अगला देखते हैं, कहने की परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन, कहानियां, कहानियों के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रेमचंद का। ठीक, इनकी गोदान रचना जो है आपसे पूछा गया था। ठीक, तो ये अभी आपको ध्यान, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इनका जन्म जो है वाराणसी के लम्ही ग्राम में भी प्रेमचंद का हुआ था। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कुछ आपसे पूछा जाता है, जैसे झरना हो गया। ठीक है, झरना, आंसू। ठीक है, लहर, लहर, कमायनी कई बार पूछा गया है, कमायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक हो गया, स्कंद गुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया। ठीक है, अजात शत्रु, एक घूंट, आंधी, कंकाल भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कंकाल, तितली, तितली हो गया, आकाशदीप हो गया, छाया, इरावती, इंद्रजाल, ये कुछ जो है जयशंकर प्रकाश की, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 75 तक हिंदी के हैं। ठीक, तो इस प्रकार आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं तीसरे सेट के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।